दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑन देसी साइट मार्केटप्लेस इन योर हैंड। कराची में उबर की फेक आईडी बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। पेशावराना मुजरिम इन आईडीज की मदद से राहजनी करते हैं। ये मुनज्जम गिरोह उबर और करीम के सारेफीन को बासानी शिकार बना लेते हैं। पाकिस्तान की शान, जेएफ थेंडर एक बार फिर करतब दिखाने के लिए तैयार। पेरिस के एयर शो में पाकिस्तानी तैयारा तवज्जो का मरकज। दुबई में बस हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 17 अफराद जान बहक। हादसे के वक्त बस में 31 लोग सवार थे। कराची में उबर की फेक आईडी बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुलजिम उबर और करीम टैक्सी सर्विस की ब्लैक आईडीज को 6000 रुपए में एक्टिव करते हैं। इन फेक आईडीज की मदद से पेशावराना मुजरिम लोगों को बासानी लूट लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया 3 जून को कराची में इकरा मुनीब के साथ पेश आया, जो कि गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। इकरा ने 3 जून को उबर टैक्सी ड्राइवर बुक करवाई और उबर के टैक्सी ड्राइवर ने इकरा को गार्डन टाउन से पिक किया, लेकिन मुकर्रर रास्ते की बजाय एक वीरान सड़क पर ले गया। इकरा के पूछने पर ड्राइवर ने बहाना बनाते हुए कहा कि इस सड़क पर ट्रैफिक कम है, लिहाजा जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रास्ते में हातून ने एटीएम के पास गाड़ी रोकने के लिए कहा, मगर ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी बल्कि उस बैंक की एटीएम के सामने जाकर गाड़ी रोकी जहां निस्बतन लोग कम आते जाते हैं। गाड़ी रोकने पर ड्राइवर इकरा को हरासा करते हुए कहा कि अपने मोबाइल फोन गाड़ी में रख कर चली जाओ, जिस पर इकरा ने अपने मोबाइल फोन गाड़ी में रख कर खुद को महफूज करने के लिए एटीएम में जाकर लॉक कर लिया। इस वाक्य के बाद इकरा ने करीबी पुलिस स्टेशन अजीज भट्टी थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। क्राइम स्पेशलिस्ट इमरान गुज्जर की मदद से मुलजिम टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया गया। तहम तफ्तीश करने पर मुलजिम ने बताया कि वो अकेला नहीं बल्कि एक मुनज्जम ग्रोह के साथ काम कर रहा है। ये मुनज्जम ग्रोह उबर के फेक अकाउंट बनाते हैं। उबर की जो आईडीज लॉक हो जाती हैं, ये ग्रोह उन आईडीज को अनलॉक करके इन आईडीज पर पेशावराना मुजरमों को टैक्सी ड्राइवर के तौर पर पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए रवाना करते हैं। कंपनी के नाम का फायदा उठाते हुए ये ग्रोह बासानी लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। पुलिस की छानबीन के बाद ये बात भी सामने आई है कि ये सारे वाकयात उबर की मिली बकत से हो रहे हैं। JF-17 थंडर पाकिस्तान की शान। JF-17 थंडर की पेरिस एयर शो में धाक बिठाने की तैयारी। पेरिस के एयर शो में मौजूद कौमी परचम के रंगों से रंगा पाकिस्तान पाक फिजाइया का JF-17 थंडर तैयारा तवज्जो का मरकज। एक बार फिर से पेरिस की फिजाओं में करतब दिखाने के लिए पाकिस्तानी हवाबाज पुरजोश। पेरिस एयर शो 17 से 23 जून तक जारी रहेगा। दुबई में हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 17 अफराद जा बहक। हादसे के वक्त बस में 31 मुसाफिर सवार थे। दुबई में राशिया के करीब ओमानी बस को हादसे के नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 17 अफराद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। जा बहक पाकिस्तानी मोहम्मद शफीक का ताल्लुक राजनपुर से था, जबकि जख्मियों में एक पाकिस्तानी मुसाफिर भी शामिल है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक तेज रफ्तार बस शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद रोड पर एक साइन बोर्ड से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 17 अफराद हलाक जबकि 3 शरीर जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि अफसोसनाक वाकये की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ियों की सड़क से बस मेट्रो स्टेशन में घुसाने की कोशिश की, जिसके बाद हादसा पेश आ गया।